हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। तो कैसे हैं आप सभी को? यही होप कि आप सभी को ठीक होंगे। तो हम लोग भी ठीक है। और देखो आज फाइनली गाइस जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन आने वाला है कल, ठीक है, जिसके लिए मैं यहाँ पे स्पेशली गांव आई थी। कल गाइस रथ यात्रा है और मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, ठीक है, और मैं बता रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे उर्सू में तो आप लोगों को पता है कि रथ यात्रा लगता है। और पता है जहाँ से रथ आता है हमारे ये बस्ती को लाया जाता है रथ, और यहाँ पे 9 दिनों के लिए रखा जाता है। उसके बाद 9 दिन के बाद फिर वो रिटर्न चला जाता है रिटर्न। तो कल गाइस मिलेंगे आप लोग से। बहुत ज़्यादा मैं तो एक्साइटेड हो रथ के लिए क्योंकि मैंने पिछला साल नहीं आया था। जब बाबू पैदा हुआ था यही हुआ था, तब जून का आसपास में हुआ था, जून 10 में, और रथ यात्रा जुलाई में था उस टाइम, पिछले साल मतलब 2022 का बात है, ठीक है। तब यहाँ पे हम तो नहीं गए थे, मतलब गए थे क्या यहाँ तक बस देखे थे, मम्मी बाबू को लेकर दर्शन करवा देते, ठीक है। और मतलब 2023 में हम लोग आए नहीं थे और ये 2024 है अभी आए हैं रथ देखने के लिए। बताइए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैंने अपना सब्सक्राइबर कुछ लोग पूछते रहते दीदी आपका गाँव कहाँ है, राउरकला में किधर रहते हो, क्या है, तो बता दिए अगर आप लोग आ सकते हैं रथ देखने के लिए तो आइएगा जरूर, मिलेंगे जरूर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रथ निकलता है वही 3 बजे से स्टार्ट होता है, 3 बजे समथिंग होता है, स्टार्ट होता है, मतलब टान के लाया जाता है और बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। बट इस बार का मैं नहीं बोल सकती बारिश की वजह से क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, बट उम्मीद है कि इस बार भी लगातार होगा ही होगा क्योंकि पिछले ईयर्स में नहीं आई थी तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में, बट इस बार है। और लो भाई बारिश आ रहा है लग रहा है, बात कर ही रही थी। और देखो मैं तो इधर मेहंदी भी लगाई हुई है हाथों में, और ये हाथों में भी मैं खुद से लगाई हूँ, बस इस साइड नहीं लगाई हूँ और ये साइड नहीं लगाई हूँ, इसको आज ही लगाऊंगी मैं मेहंदी। और बारिश आ रहा है गाइस सच में, सीरियसली। चलो अरे चल या मत बोल, बारिश आ रहा है, भागेंगे तो ये देखो 2-2 बोतल पकड़ के आ रहा है और या कर रहा है। चलो जल्दी, बारिश हो रहा है। लिपटा तेरा कपड़ा सब तुम लाइए का, जल्दी अंदर करो, आ बारिश हो रहा है, तो समझता कहीं नहीं है। अरे बाबा देखो गाइस बारिश हो रहा है और ये आने नहीं खोज रहा है, वहीं पे बैठा है, नहीं आएंगे बोलो। देखो बारिश कैसे हो रहा है, देख रही है कैसे पानी गिर रहा है, देखो इधर पता चल रहा है ना, ये सब बोल रहे आ जाओ तो नहीं आ रहा, बताओ। इसके लिए मम्मी आज ही अरवा चावल सबको पछेर रही है क्योंकि उसको गोड़ी पिसवाने जाने वाली है ना बेटा। ये कल रथ यात्रा है, देखो यहाँ पे मम्मी अभी निकालेगी, झाड़ू कर रही है, पहले साफ कर रही है, उसके बाद अभी यहाँ पे अरवा चावल देखो बोरा में कितना सारा है, देखो ये सबको कुटवाओगे ना कि फिर पिसवाओगे गोड़ी के लिए। हाँ देखो इतना सारा सारा निकालेगी अभी, और कल रोटी वोटी बनेगा ना तो उसी की वजह से। हाँ लिप्सा बोल रही मेरा बाल कर दो, अभी नहीं ना कर सकता अमावस्या, क्या बोलते उसको, कहाँ चल रहा है अमावस्या कि क्या बोली थी। हाँ जी सुगड़ो पोखी आज नहीं ना काट, लिप्सा बोलती बाल काट दो मेरा, तो हम बोले अभी कहाँ काटेंगे। हाँ वही तो, और कल रात है ना तो कैसे काट दे, कल रात कही के तो कटवास हो जानी तभी दूसरा और कटाई का। और गाइस देखो अभी श्याम आ गया है स्कूल से और इतना सारा उसको बुक मिला है, वो हमको दिखा रहा है क्योंकि आज सैटरडे था और सैटरडे इन लोग का अभी मॉर्निंग में रहता है, सुबह जाता है ये लोग 7 बजे से इन लोग का क्लास होता है और आता है दोपहर में, मतलब 12 बजे तक छुट्टी होता है तो घर पहुंचते उसका भी 1 बजे क्या है समझिए एक तरफ से। तो देखिए यहाँ पे कितना सारा बुक मिला है और ओडिया मीडियम का, हमारा इधर का बुक कैसा रहता है मैं बताऊँ क्योंकि देखो झारखंड में तो ज़्यादातर क्या होता है ना सारा लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में ही रहता है, ओडिया सब्जेक्ट शायद है मैं सुनी नहीं उधर। तो इधर देखो मैं आप लोग को सारा सब्जेक्ट दिखाती हूँ और सारा सब्जेक्ट में ओडिया से ही लिखा होता है, बस एक इंग्लिश ही होता है जो इंग्लिश में रहता है, बाकी जितना भी मतलब मैथ होता है साइंस होता है सारा ओडिया में ही लिखा हुआ रहता है। तो चलो मैं अभी आप लोग को और मम्मी बोली कि बाबू वहाँ पे जाके साइकिल गिरा दिया उसने मामू का, तो मैं यहाँ पे दिखाऊँ कितना तो बुक मिला है वो भी आप लोग को बताऊंगी और मेरा भाई कितना क्लास में वो भी बताऊंगी, ठीक है। चलो पहले बुक दिखाते हैं उसके बाद बताते हैं आप लोगों को। देखो कितना नया नया बुक है, पूरा मोटा मोटा, देखिए ये रहा, देखिए यहाँ पे लिखा है ना आमो भाषा आमो साहित्य ना तृतीय श्रेणी, यानी कि यहाँ पे 3 क्लास का बुक है। ये देख रहे हैं ना ये कोणार्क मंदिर है, ठीक है, तो इधर देखो ऐसे लिखा रहता है सब कुछ, यहाँ पे लिखा है तृतीय श्रेणी का मतलब है कि 3 क्लास, ठीक है, 3 ईयर्स बोले थे। फिर यहाँ पे ना ये महात्मा गांधी का ये कुछ लिखा हुआ है, ये सारा चीज़ें यहाँ पे देखिए सब कुछ ओडिया में है, देख रहे हैं ना जितना सब है सब ओडिया में है, देखिए सब बोलने से सब ओडिया में है, देखो ये सारा ओडिया में है, देखो इसमें सारा ओडिया में है। और ये ना साहित्य है, मतलब साहित्य बुक है तो इसको साइड में रखते हैं। और ये रहा ये मैथ बुक है, ठीक है, देखो गणित मौजा तृतीय श्रेणी, ठीक है, ये गणित यानी कि मैथ है ये भी, इसमें भी देखिएगा ना तो आपको ओडिया में ही दिखेगा। देखिए इसमें भी ओडिया में ही है, देखिए ये रहा सब ओडिया, देखो मैथ भी सब ओडिया में है। इसको भी रख देते हैं। और ये और एक ठू है, देखो ये जोड़ा अजाड़ा तृतीय श्रेणी, ठीक है, ये विज्ञान वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है कुछ साइंटिस्ट वगैरह के लिए बहुत कुछ यहाँ पे क्या क्या बना हुआ है ना, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये वही है शायद, देखिए इसमें कैसे क्या है, पोल्यूशन क्या क्या है, सब कुछ ये भी ओडिया में लिखा हुआ है। देखिए देखिए सारा ओडिया में लिखा हुआ है, ठीक है। ये तीन बुक हो गया, इधर रख दिए। अब ये वाला देखिए, माई इंग्लिश बुक क्लास 3, ठीक है। देखिए ये इंग्लिश में ही बस एक ऐसा है, इसमें भी देखिए ओडिया लिखा हुआ है इंग्लिश से, और बीच बीच में ओडिया भी लिखा हुआ है। देखिए देखिए ये इंग्लिश बुक है। और ये देखो गणित कार्य पुस्तिका तृतीय श्रेणी, ठीक है, ये ओडिया में होगा। देखिए ये देखिए इसमें भी ओडिया में है, ये रहा ना। अब देखिए भाषा कार्य पुस्तिका तृतीय श्रेणी, ये भी ओडिया में होगा। देखो तो इतना सारा टोटल कितना मिला पता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब आप लोग समझ सकते हैं 3 क्लास का बच्चे को 6 बुक मिला है। बताइए 6 बुक इधर मतलब ये फ्री में ही मतलब इधर गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, फ्री में आप बुक देगा, फ्री में ड्रेस भी देता है ना, फ्री में ड्रेस देगा, फ्री में खाना देगा, जूता भी, मम्मी बोल रही है कि जूता भी देगा, फ्री में खाना भी देगा, सब कुछ, मतलब फ्री में यहाँ पे बहुत सारी चीजें सुविधा मिलती है। अभी तू ही यहाँ पे पढ़ ले बेटा, पैसे भी मिलता है, मतलब टाइफन ना, मतलब HTSC को टाइफन भी मिलता है, पैसे भी मिलता है। मम्मी हम लोग को भी मिला था साइकिल खरीदने के लिए। देखो ये क्या सुन रहा है, अभी तू भी यहाँ पे पढ़ो बेटा, हाँ तुम भी यहाँ पे पढ़ो मामू के साथ में। अजी कौन कौन पाठ पढ़ाएला को, हाँ कौन पाठ पढ़ाएला, अजी ड्रिल है पाठ नहीं, अजी पाठ पढ़ाए नहीं, अजी शनिवार को ही पाठ पढ़ाई नहीं है, सब बुक रखेला। देखो मतलब आज बोल रहा है कि ज़्यादा कुछ पढ़ाई हुआ नहीं है आज, जैसे कि आज सैटरडे है तो ज़्यादातर क्या होता है ना, ड्रिल होता है, मतलब एक्सरसाइज वगैरह होता है ज़्यादातर, और मतलब हाफ टाइम ही होता है। तो क्या उसमें जाके जितना भी एक्सरसाइज, बॉडी फिटनेस, सारा चीज़ों को लोग वो करवाते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा देर क्लासरूम में बैठने के बाद खाना पीना खा के कुछ देर के बाद फिर रिटर्न आ जाते हैं। कुछ कुछ हुआ होगा, ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल रहे हैं वो, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। अब सैटरडे का दिन मतलब एक तरफ से बोलो कि बच्चा का हेल्थ का वो एक्सरसाइज वगैरह ही होता है, तो उसको बोल रहा है ड्रिल हुआ करके। और गाइस देखो अभी हमने मेहंदी भी लगा लिया है, देखो हाथ में, देखो ये रहा ये वाला हाथ का, और एक ये वाला हाथ का भी लग गया है, इसको धोए नहीं है ठीक से। देखो देखो लिप्सा को भी लगा दी थी, उसको सबसे पहले लगा दी थी, वो लगा लिया, और अभी लगाने के बाद इसका कलर हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, अब धो लिया, फिर बर्तन उतर सारा धो रहा है। और हम भी, मेरा तो नहीं सूखा है तो इसलिए हम नहीं धोए हैं अभी तक, ऐसा का ऐसे ही है। देखो इसको धोएंगे थोड़ी देर में। मम्मी चली गई बिसरा, अभी वही जो चावल पिसवाना था बोली थी ना, वो पिसवाने के लिए। भूख लग रहा है, सुबह से खाना नहीं खाए हैं हम। अभी देखो वैसे कलर कर रहा है, देखो कलर से खेल रहा है, और बोलता है ए ए, बोलो सी बी, बोलो ए सी, बोलता है ए, बोलो ए ए, बोलो ए बी सी, उल्टा ही बोलता है। और गाइस अभी रात का टाइम हो चुका है, और अभी आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ कुछ, ठीक है। अच्छा कलर देखो, कितना अच्छा कलर आया है, कैमरा देखो देखो, बोलो मम्मी को अच्छा कलर आया है, कल मेरे पापा आएंगे, बोलो ये कल हमारे, बोलो कल सॉरी बोलो कल मेरे पापा आएंगे रात, देखो नहीं सुनेगा मेरा बात, जो मैं बात ही नहीं करूँगी। आज तो मरते मरते बचे हैं, नहीं तो आज तो मुझे लग रहा है मेरा, आज तो सच में मेरे को काट लिया होता तो कुछ ना कुछ मेरे को हो जाता, मतलब इतना डेंजर हो गया था, और मैं उठ भी नहीं सक रही थी, मतलब आज मैं पक्का पूरा, अभी भी हमको ना पूरा कैसा लग रहा है वो हम ही को पता है। देखना कितने खतरनाक देखा जाऊची कितने बड़ो छाड़ दिखे रो तो देख हे भगवान बोल की बाबू ए नहीं मोरा ही नहीं है कहां फेंकी रानी ए तो गुमारी ने तपरे फेंगी वो नले मार देखो गाइस बहुत खतरनाक वाला चीज दिख गया पता है जितना खतरनाक वाला देखो अचानक से देखो अभी तो मार दिया वैसे मम्मी टॉर्च दिखा रही है देखो कितना भयानक लग रहा है रुको ना आंटी तू ये मार देगी ए अभी चलो अंदर चलो बेटा चलो तुम अंदर चलो अंदर चलो ए गोड़ कहाँ झाड़ रहे हो हाँ सही बात है। जस्ट बैठ के मैं खाना खा रही थी यहाँ पे ठीक है देखिए खाना ही खा रही थी और अचानक से क्या हुआ ना उधर से दौड़ गया तो इतना दूर तक आया मुझे पता ही नहीं चला मतलब फिर यहाँ तक पहुँचा ना तो पूरा डर गया पता है उठने भी नहीं सकता। उसके बाद यहाँ तक आया उसके बाद ऐसे घूर के इधर होके उधर गया। उसके बाद फिर मैं अपने पापा को बोला फिर पापा उसको थोड़ा सा मारा फिर अभी वहाँ पर देखो शाम उसको मार रहा है। अब मेरा जहाँ अभी तक धक धक कर खाना भी सुबह से नहीं खाते अभी हम खाना खा रहे थे और भाई मतलब कल रात याद है और आज ये सब देखने को मिला हम पूरा डर गए अभी भी मेरे को डर के मारे कैसे लग रहा है। इसको कहा गया लोग ये गोजर कानघोजर ने बड़का वाला अच्छा रेड गोजर पूरा इसको जब काटता है इसका 20-24 घंटा से 38 घंटा तक रहता है बहुत डेंजर दर्द होता है। एक बार लिप्सा को काटा था ना लिप्सा तुमको एक बार काटा था ना हाँ वो बोल रहे हैं हाँ तो काटा तो बहुत तकलीफ हुआ था उसको अच्छे से पता है।